गाइस गुड मॉर्निंग। रोजाना रात को सोने से पहले बस इसे अपने चेहरे पर लगा लीजिए। एक रात में आपका चेहरा बिल्कुल गोरा और बेदाग हो जाएगा। आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर बन जाएगी। पिंपल एक्ने की समस्या दूर हो जाएगी। आपकी स्किन पे एक अलग सा ही निखार होगा जो आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आज मैंने कोई भी मेकअप नहीं करा है। इनफैक्ट मेरी जो आईब्रोज बढ़ी हुई है वो भी आपको प्रॉपर ग्रोथ दिख रही है। मेरे पूरे फेस पे आपको कोई मेकअप नहीं है। मेरे एक्ने पिंपल को रिड्यूस करा और मेरी स्किन पर एक बहुत अच्छा ग्लो इफेक्ट लेकर आया है। अगर आपकी एज 10 साल की है या फिर 60 साल की है तो भी आप इस विटामिन सी सीरम को घर पर बनाकर अप्लाई करें। ऑनेस्टली बोलती हूँ कि आप मार्केट में मिलने वाले कोई भी सीरम, कोई भी फेशियल, कोई भी क्रीम को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो प्लीज इसको यूज करें और उसके बाद इसका रिजल्ट मुझसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए जानते हैं इस विटामिन सी सीरम को बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत है और कैसे अप्लाई करना है, और एक रात बाद जो आपके चेहरे पर इसका इफेक्ट आने वाला है ना, प्लीज मुझसे शेयर करना मत भूलना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है ऑरेंज, संतरा। संतरे में नेचुरली विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके चेहरे से झुर्रियों को दूर करता है और आपके चेहरे की जितनी भी पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, सनबर्न है, उसको भी ये बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस करता है। तो संतरा गर्मियों में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा, इनफैक्ट सर्दियों में भी मिल जाता है। तो प्लीज आज के इस रेमेडी के बाद जो मैं विटामिन सी सीरम बता रही हूँ, आपको मार्केट वाला कोई सीरम इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी किचन में इतनी चीजें अवेलेबल है यार, लेकिन हम उनका सही इस्तेमाल नहीं जानते और उनको छोड़कर हम मार्केट में बिलीव करते हैं। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, पील कर लेना है। आप इसमें दो संतरे भी ले सकते हैं और अच्छा है, क्योंकि आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं। कितने टाइम के लिए? 1 वीक के लिए फ्रिज में। यहाँ पे हमने संतरे की फाड़ियां ले लेनी है। अब इसको मिक्सी में ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद छन्नी की मदद से छान कर इसका जूस निकालना है, और इस जूस को मैंने ऑलरेडी निकाल कर शीशी में स्टोर करके रखा है, क्योंकि जो भी हम विटामिन सी सीरम यूज करते हैं उसको कांच की शीशी में हमेशा स्टोर करके रखना चाहिए, जो बहुत इफेक्टिव होता है, उसका लॉन्ग टाइम बना रहता है। अब हमें क्या करना है, एक खाली बाउल लेना है। अब हमने इस ऑरेंज जूस के 2 चम्मच आपको ले लेने हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। आप कोई भी ले सकते हैं, अगर फ्रेश है ना तो इससे बेटर चीज कुछ हो ही नहीं सकती। एलोवेरा जेल आपके पिंपल एक्ने को दूर करता है, आपकी स्किन को स्मूथ और ग्लोइंग बनाता है। संतरे के फायदे आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी एजिंग से रोकता है आपको, आपकी स्किन को जितनी भी डल हो गई है उसको बहुत ही फाइन बनाता है। तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून एलोवेरा जेल। लास्ट और मेन इंग्रेडिएंट है हमारा लेमन। लेमन में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है और ये आपके जितने भी दाग धब्बे हैं फेस पे उनको दूर करता है, आपके स्किन के कलर को इन्हांस करता है। तो बस इसमें हमें पूरे लेमन का जो जूस है वो ऐड करना है। काफी बड़ा लेमन है, आप देख सकते हो इतने साइज का लेना है। अगर आपको इतने साइज का नहीं मिल रहा है तो आप छोटे साइज का ले सकते हो, और अगर आपके पास लेमन नहीं है तो उसके ऑप्शनल में आप इसमें रोज वाटर ऐड कर सकते हो। वैसे मैं तो आपसे कहूंगी जो लेमन वर्क करता है ना वो कोई और चीज वर्क नहीं करती, या आप टमाटर का जूस भी ले सकते हो। बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसका जूस निकला है, क्योंकि काफी बड़ा लेमन था और जूसी लेमन था। अगर फेस की स्किन को बचाना है ना तो इतना कुछ तो बनता है लगाना अपने फेस पर। इतने महंगे फेशियल से बहुत सस्ता सीरम है और बहुत इफेक्टिव है। इसके जो छिलके बचेंगे यूज करने हैं, हमेशा की तरह बताती हूँ, अगर जो मेरी इस वीडियो में नए हैं उनको दोबारा से बताऊंगी कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, तो उनको फेंकना मत प्लीज। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। वाओ, देख के मन कर रहा है कि फटाफट से सीरम को अप्लाई कर लूं मैं अपने फेस पे। बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है यार ये। तो बस अब हमें क्या करना है, इस कांच के बाउल में आप इसको स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 वीक के लिए। आपको इसमें कॉटन बॉल डिप करनी है और अपने फेस पे अप्लाई करना है। अप्लाई कब करना है अब वो जान लीजिए। रात को सोने से पहले क्या करना है, आपने अपने फेस को फेस वॉश से अच्छे से धोना है। धोने के बाद आपने इसमें कॉटन डिप करनी है, अपने फेस पे, पूरे नेक और फेस पे, ईयर्स पे भी अप्लाई कर लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं, फेस पे ध्यान देते हैं, नेक को भूल जाते हैं, तो नेक का अलग कलर हो जाता है और फेस का अलग कलर हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी। आपको लगाने के 15 से 20 मिनट बाद आप इसको धो लीजिए।
अगर आप इसका दुगुना इफेक्ट चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप इसको पूरी रात के लिए अपने फेस पर लगा रहने दें और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपना फेस ठंडे पानी से वॉश करें। उसके बाद आप कोई भी अपना मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन जरूर 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 लगाएं। आपको रोजाना इसको इस्तेमाल करना है। 15 डेज में आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग हो जाएगी ना कि आप मार्केट में कोई भी क्रीम खरीदना तो भूल ही जाओगे। तो मैंने आपसे कहा था कि उन लेमन के छिलकों को आपको फेंकना नहीं है, तो आपको उसको रीयूज करना है। इनफैक्ट मैं आपसे ये कहती हूँ कि कभी आप सुबह जब लेमन वाटर पीते है ना, तो उसके छिलकों को भी मत फेंका करें। घर में कोई भी पिए ना, इकट्ठे कर लो और बहुत काम के ये चीज, इसको ऐसे उल्टा कर लो। ऐसे उल्टा करने के बाद आपको इसको अपनी आर्म्स पे रब करना है। इससे जितनी भी आपके आर्म्स पे टैनिंग होगी ना, वो ट्रस्ट में निकल जाएगी। अपनी एल्बोज पे जो आपकी काली है वो भी ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी गर्दन काली है तो उस पे भी आप इसको रब कर सकते हो, ऐसे पीछे की तरफ। आपका जो नेक है ना वो भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप इसको अपने नीज पे भी रब कर सकते हो, नीज भी काले हो जाते हैं ना, उस पे रब कर लो। देखो कितने सारे काम बता दिए मैंने इसके, है ना, ऐसी दोनों तरफ आप इसको रब करो। टीवी पे देखते रहो, टाइम पास भी करते रहो और इसको रब भी कर लो। अंदर से भी क्लीन, बाहर से भी क्लीन और बॉडी भी क्लीन, और क्या चाहिए। कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और क्या रिजल्ट रहा वो भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहो। प्यार देने के लिए नो चीटिंग, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। लव यू ऑल।